नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बात करेंगे, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और पंचायत प्रतिनिधियों में खासा उत्साह है। सभी को उत्सुकता यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों से आखिर नीतीश कुमार उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस विषय पर बात करेंगे। तो हम आपको बता दें, जो संभावना व्यक्त की जा रही है, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा लोहिया स्वच्छता अभियान पर बात करेंगे। उसके बाद महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और सूबे में वेटलैंड कहने का मतलब जो जल स्रोत है उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात कहेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं मनरेगा कार्यक्रम में और पारदर्शिता बरतने के साथ ही वार्ड सदस्यों के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में मुख्यमंत्री बात करने की संभावना है। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ पंचायती राज मंत्री भी रहेंगे, तो पंचायती राज मंत्री के सूत्रों के अनुसार पंचायती राज मंत्री जो पहले घोषणा किया था कि सरपंच और पंच को, ग्राम कचहरियों को, ग्राम गांव के विकास में हम भागीदार बनाएंगे, उसे लेकर जो पंचायती राज मंत्री है एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जो उन्होंने पहले घोषणा किया है उसको लागू करने के दिशा में क्या कदम बढ़ा रहे हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि बिहार में यह शुरुआत हो रही है कि वेबकास्टिंग के जरिए पंचायत प्रतिनिधि अपने सूबे के मुख्यमंत्री संबंधित मंत्रालय के व्यक्तियों से बात करेंगे, उनसे सुनेंगे उनको, और मुख्यमंत्री डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों को संबोधित करने वाले हैं। वह तारीख है 16 जून को वह संबोधित करेंगे। और वहीं दूसरी खबर जो आ रही है शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो शिक्षा मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा है कि 2 माह में पेंडिंग मामले निपटाएं वरना मैं ऑन स्पॉट फैसला करूंगा। शिक्षा मंत्री की डीओ डीपीओ के साथ बैठक, दिया सभी को अल्टीमेटम। 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि जिले में शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी पेंडिंग मामले हैं, शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाए, उस पेंडिंग मामले को 2 महीने के अंदर निपटा लिया जाए। और अगर 2 महीने के अंदर नहीं निपटाते हैं तो चेतावनी देते हुए कहा कि मैं और मुख्य सचिव जिले में कैंप करके मामले को ऑन द स्पॉट निपटारा करूंगा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी करूंगा। शिक्षकों को कार्यालय के चक्कर लगाने के बदले उन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग के लापरवाही के चलते, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के चलते शिक्षकों को स्कूल के बजाय कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हुआ है। विभिन्न संगठनों ने शिक्षा मंत्री तक यह शिकायत पहुंचाई थी कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के कारण शिक्षक पठन पाठन कार्यों के बजाय अपने निजी कामों के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाते हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री ने बहुत कड़ा संदेश दिया है कि 60 दिनों के भीतर अगर सभी लंबित मामले नहीं निपटाए गए तो शिक्षा मंत्री और सचिव खुद जिले में कैंप करके और सारे मामले को ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे और वहीं दोषी कर्मचारियों को सजा भी देंगे। और इधर बड़ी खबर आ रही है देश से बात करें तो सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, कोविड की परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती। और नवादा जिला से खबर आ रही है, खेलते हुए बच्चों को प्यास लगी तो बैटरी का पानी पी ले गए, चार बच्चे बीमार हो गए जिसमें एक की मौत हो गई। और मौसम विभाग को लेकर बिहार से बहुत बड़ी खबर, बिहार के भागों में कहीं सूखा है तो कहीं बारिश से भीगा हुआ है। यहाँ उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं दक्षिणी बिहार लू से तप रहा है। लेकिन 16 जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट है कि 16 जिलों में बारिश होगी और 5 जिलों में लू चलेगा। लेकिन अगले 45 घंटों में बिहार में मौसम सुहाना होने की उम्मीद है, पूरे बिहार में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं वेटलैंड जिसको हम बात कर रहे थे, जल स्रोत का बनेगा हेल्थ कार्ड, जितने भी जल स्रोत हैं बिहार में उसका हेल्थ कार्ड बनेगा, पानी की गुणवत्ता की जांच होगी, पक्षियों की संख्या घट रही है बढ़ रही है, हर साल तैयार होगी रिपोर्ट। वेटलैंड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बनाई गई है टीम। हेल्थ कार्ड बनाने के लिए किस जिला के 188 वेटलैंड का किया गया है चयन, वेटलैंड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बनाई गई टीम, पक्षियों की संख्या
घट रही है या हर साल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बिहार के जितने जल स्रोत हैं, भारी संख्या में विदेशी प्रवासी पक्षी आते थे, लेकिन धीरे धीरे जल स्रोत सूख रहे हैं, जिसके कारण साइबेरियन पक्षियों का आना कम हो गया है। अब उसकी जांच सरकार करेगी। राज्य के वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाने की बात है, इसके लिए वेटलैंड का स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया जारी है। नीरज कुमार सिंह का यह बयान है, मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। और विश्व में बाल श्रम दिवस, आज बाल श्रम दिवस है, विश्व बाल श्रम दिवस है आज, और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। लेकिन हम आपको बता दें, बहुत अच्छी खबर नहीं है कि देश के 30% बाल श्रमिक बिहार और यूपी से हैं। गरीबी शिक्षा की वजह से छिन रहा है हम बिहारी लोगों का बचपन। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम से बाल श्रम कराने वाले गिरोह पर नजर रखी जा रही है। ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर बिहार है। और पटना में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस के एमएलए और एमएलसी जमे हुए हैं। जब तक दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती रहेगी, पटना में कांग्रेसी ईडी ऑफिस के सामने जमे रहेंगे। हालांकि दिल्ली में जब राहुल गांधी को ले जाया जा रहा है, तो दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के साथ अन्य वरीय कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं। और विधानसभा के आगामी सत्र में स्वास्थ्य एजेंडा में क्यों नहीं सरकार जवाब दे, माले का जवाब है। माले सवाल किया है कि विधानसभा के अगले सत्र में स्वास्थ्य को एजेंडे से शान बाहर क्यों रखा गया है, यह जवाब दे। राज्यपाल से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिष्टाचार मुलाकात की। और हाजीपुर में क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के लिए दिया गया आमंत्रण। और लालू यादव ने अपने समर्थकों को पत्र लिखा है अपने जन्मदिन पर, जन्मदिन पर मिली बधाई से विभूत लालू यादव ने समर्थकों के लिखी पाती, संसाधनों की कमी से नहीं इरादों की कमी से नहीं मिल पाता है न्याय, इरादों को करें मजबूत, बोले लालू, लोगों के अपना तो स्नेह ने हर शब्द को बौना बना दिया है। वहीं लालू यादव के इस पाती पर भाजपा ने कहा है, लालू अब जेपी लोहिया को अपमानित नहीं करें, उनके नाम लेकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं लालू यादव, ये आरोप लगाया है भाजपा ने। और सीबीएसई परीक्षा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलओसी जमा करने का शेड्यूल जारी, 16 जून से 31 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के एलओसी भर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 1 सितंबर से 15 सितंबर तक एलओसी अपलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के वैलिड और इनवैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी जारी कर दिया है। वहीं पटना विश्वविद्यालय से सीबीसीएस के लिए सिलेबस तैयार, 20 जून तक विशेषज्ञ से मांगे गए हैं सुझाव। और इधर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक खबर है, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के हवाले से जो बहाली होनी है, नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र 2 जुलाई से 7 जुलाई तक मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि सभी राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पद पर बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल रविवार को जारी कर दिया है। तो अब 2 जुलाई से 7 जुलाई तक बहाली हो जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। और इंडियन बैंक में सेनमारी कर कैश उड़ाने का प्रयास, एक गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर के कुदनी की घटना, भीड़ ने जमकर की पिटाई, बैंक का कैश सुरक्षित, मौके से दीवार काटने की मशीन बरामद। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बड़ी खबर बिहार में, बिहार से बहुत बड़ी अच्छी पहल है। और यह पॉजिटिव खबर यह है कि टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज उनके घर जाकर खिलाया जाएगा मछली और चावल, गांव गांव घूमेगी वैन, शुरुआत पटना के 20 स्थानों से हो रही है। फीस ऑन व्हील योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू करने में जुटा है विभाग। और स्वरोजगार टीबी मरीजों को, ठीक हुए टीबी मरीजों को स्वरोजगार से जोड़ने की दी जाएगी ट्रेनिंग। टीबी मरीजों को में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें मछली भात घर जाकर खिलाया जाएगा और गाड़ी वाहन से जाएगा उन्हें भोजन करवाएगा ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। और इधर अगर हम बात करें, ट्रंप कार्ड के सामने बाइडेन कमजोर, 2024 के लिए नए चेहरे की तलाश, राष्ट्रपति बाइडेन
कि अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी में अप्रूवल रेटिंग 9% गिरी, उम्र भी उनके सामने आड़े आ रही है, अगले चुनाव में 42 साल के हो जाएंगे बाइडन। राजस्थान एमपी समेत 4 राज्यों में प्री मानसून की बौछारे, लेकिन बिहार से अभी तक रूठा हुआ है मानसून। और इधर बात करें एक बहुत ही अच्छी खबर से कि कीचड़ में गिरे थे, गिर गए थे पिता, अंतिम इच्छा थी श्राद्ध में भोज और कर्मकांड के बदले पुल बनवा दे बेटा। अब बेटे ने 5 लाख में बनाया आरसीसी पुल। पुल नहीं रहने से बरसात के दिनों में लोगों को आने जाने से परेशानी होती थी और दोनों किनारों पर मिट्टी का भराई बाकी है, लेकिन आवागमन शुरू हो गया है। यह है मधुबनी के कलुआही प्रखंड के नरार पंचायत के पश्चिमी वाई वार्ड नंबर 2 के महादेव झा की अंतिम इच्छा थी कि गांव में आरसीसी पुल बने। उन्होंने बेटे और परिजनों की इसकी इच्छा बताई थी, परंतु श्राद्ध और भोज और कर्म कांड में लाखों रुपए खर्च नहीं कीजिएगा। बात यह है कि महादेव झा थे, एक दिन खेत में बगीचे से घूम कर आ रहे थे, पैर फिसल जाने के कारण कीचड़ और पानी में गिर गए थे, तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि आप मेरे मृत्यु के बाद भोज और श्राद्ध कर्म में लाखों रुपए खर्च नहीं कीजिएगा, उसी पैसे से गांव में पुल बना दीजिएगा ताकि सब लोगों को परेशानी नहीं आए, कोई कीचड़ में नहीं गिरे। बेटे ने उनकी इच्छा पूरी की, 5 लाख रुपए से लगे लागत से पुल बना दिया। उनके बेटों ने बताया कि कोरोना के कारण 2 साल देरी हुई, लेकिन अब पुल तैयार है और हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।